sat down by the ocean. It's that tears that I feel, fill up with emotions. Could I taste them for real? तो आज हम लोग आए हैं स्नेह रिजोर्ट। आप बॉम्बे से अगर आते हो तो आपको ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर आसपास क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे रोहन करके, मिस्टर रोहन करके, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, पूरा वॉक थ्रू देने वाले हैं एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सा सेक्शन पे क्या चीज़ है, जो आपको ही डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो प्लीज़ एक बार मिलते हैं मिस्टर रोहन से। सर थैंक यू सो मच। सबसे बेस्ट प्लान इधर का क्या है अगर एंजॉय करना है? बेसिकली हमारे पास तीन पैकेजेस है, एक मॉर्निंग का है, एक इवनिंग का है और एक स्टे पैकेजेस है। जो स्टैंडर्ड पैकेज जो है मॉर्निंग का, वो 9:30 को स्टार्ट होता है, 9:30 इवनिंग 6 तक। ओके। और उसका जो टैरिफ है 1111 प्लस GST, इसमें हम जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग हाई टी और लिमिटेड एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं विद एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल एंड रेन डांस। बाकी सब आपका थोड़ा बहुत पेड है, बाकी रेस्टोरेंट एक्टिविटीज तो बहुत सारे हैं। जो सेकंड पैकेज है वो इवनिंग का है, जो 4 to 9:30 का है, वो जो उसमें हाई टी एंड डिनर इंक्लूड है। टैरिफ 999 प्लस GST। एक्टिविटीज उसमें जो वन डे में कवर होती है वो उसमें कवर होती है, सिर्फ मील्स उसमें हाई टी एंड डिनर इंक्लूड है। यस। ओके। सो यहाँ से फिर आने जाने के लिए वो लोगों को ही खुद को अरेंज करना पड़ता है? यहाँ पे ऐसा कोई सोशल ओला उबर वगैरह आते हैं यहाँ पे? और हाँ, इनकेस कोई बुक नहीं होता है तो हमारे स्टाफ की जो गाड़ी है हम उन्हें हेल्प आउट करते हैं। ओके। ड्रॉप आउट करने के लिए। ओके, दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। सो स्टाफ तो वैसे भी बहुत अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू बुक योर कैब। ठीक है। पैकेज 7500 है इंक्लूडिंग GST फॉर पर कपल। उसमें 4 times मील्स इंक्लूड है, चेक इन 1 बजे का है, चेकआउट नेक्स्ट डे 11 बजे का है। Okay. और उसमें ऑल एडवेंचर एक्टिविटीज इंक्लूड है और रेस्ट और 2 to 3 एक्टिविटीज आर पेड, रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन पैकेज। आई थिंक 7 तारीख से आपका हेलीकॉप्टर राइड भी आ रहा है। यस, हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट होने वाला है। हमारा मैंगो फेस्टिवल स्टार्ट किया है हमने, वैसे उसमें क्या है, लंच में जो रखा है महाराष्ट्रियन पूरा मेनू रखा है हमने। तो ये ऑफिस एरिया है जहाँ पे बुकिंग्स वगैरह होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ आपको। तो गेट क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट साइड में ऑफिस रूम मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको रिसेप्शन है। आगे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। जो वन डे आते हैं उनके लिए टिकट काउंटर बाहर है, और जो लोग स्टे करते हैं उनका गाड़ी भी अंदर पार्क होता है और उनके लिए टिकट काउंटर अंदर है। ओके। एंड ये शिवाजी महाराज का मूर्ति है यहाँ पे, ये सबसे अच्छा चीज़ है। यस, और एंट्रेंस में लोगों को पसंद आ जाता है। हाँ, और साथ में इसका जो ग्रीनरी है जिसमें जितना फ्लावर्स है बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और स्कल्पचर्स बहुत अच्छे अच्छे सारे। उसके बाद ये जो रेस्टोरेंट है, हाँ, इनऑफ स्टे जो स्टे के लिए जो गेस्ट रहते हैं उनके लिए, उनका तो मील्स जो रहता है सारा, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, स्टे के लिए खाली है। यस, वन डे वालों के लिए नहीं है। वन डे वालों के लिए नहीं है। वन डे वालों के लिए दूसरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उनका फूडिंग सब वहाँ पर होता है। हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं स्टे जो ऑलरेडी है, और यहाँ पे भी आपका एक ओपन स्टे है। तो टोटल आपका 40 rooms है, ये 26 है, बाकी का रूम वहाँ पे है, और वो खाली डैम व्यू, एक स्विमिंग पूल प्लस डैम व्यू। परफेक्ट। तो ये ऑलरेडी जो बोल रहे थे और रूम जो है यहाँ पे है, रूम्स है वो यहाँ पर। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक स्विमिंग पूल साइड रूम था और एक यहाँ पे आपको रूम बुकिंग मिल जाएगा। ये खाली डैम व्यू है, वो आपका स्विमिंग पूल प्लस डैम व्यू है। सो हम लोग अभी जाते हैं इंडोर गेम्स के, ये भी एक राइड है, राइट? यस, स्नेह रिजॉर्ट का जो इंडोर गेम्स है इसमें खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इनका TT है, टेबल टेनिस है, यहाँ पे चेस है, कैरम बोर्ड, पुश बॉल। ये जो इंडोर गेम्स है वो हम जो स्टे इन हाउस के लिए गेस्ट आते हैं ना उनके लिए ही है, सिर्फ वन डे आउटिंग के लिए नहीं। ओके। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 कार्स पार्क हो जाते हैं, और बाहर अगर पार्क करना है, बाहर तो बहुत ज्यादा है पार्किंग। यहाँ पर रेस्टोरेंट टू है। ओ, ये गांव थी मैं क्या? हाँ, वैसे ही बनाया है। नाइस। ये है इनका रेस्टोरेंट टू, इतने सारे लोगों के लिए सिटिंग कैपेसिटी, ये ओपन एक्सेस है, यहाँ पे भी आप खा सकते हो, वहाँ पे भी खा सकते हो, मतलब दो जगह पे है। सो इट इज अ नाइस कॉन्सेप्ट। और यहीं पे लंच एंड डिनर सब यहीं पे होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड ITI पर होता है। ओह, अच्छा, उस तरफ भी है। परफेक्ट। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर भी है। हाँ, तो ये बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे अगर आपको इवेंट करना है, बेबी शावर करना है, बर्थडे पार्टी करना है, एंजॉय करना है, कोई भी चीज़ बुक करना है, तो आपको स्नेह रिजॉर्ट में आके बुक कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे कितना कैपेसिटी, कल आई थिंक 500 लोगों का कैपेसिटी यहाँ पे था ऑलरेडी। यस, ऑलमोस्ट 500। ये H लिखा है, हेलीपैड है कि क्या है एक्चुअली? यस, हेलीपैड का। अच्छा, ये हेलीपैड है। तो जो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट होने वाला है। सो डू कम एक बार, डेफिनेटली ये तो एंजॉय करो। ये जगह को क्या बोलते हैं, लवर पैराडाइज। लवर्स पैराडाइज। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या? एक बेसिकली आर्टिफिशियल थीम पार्क है। हाँ, जो बेसिकली कपल्स के लिए डिजाइन किया है। इसमें हाइड्रोलिक मून, वाटरफॉल है, केव्स है, पूरा वृंदावन का सेटअप है, सेल्फी पॉइंट्स है। लेट्स गो।
सो यहाँ पे आपको एक कूपन टोकन दिखाना पड़ता है, टोकन पे वो साइन करते हैं, टिक मार्क मारते हैं, फिर आपको अंदर जाना पड़ता है। ये एंट्री है उसका। चलो क्विकली जाते हैं। इतने अच्छे व्यू है ना, ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। दिस इज वेरी गुड व्यू। वाओ, ठंडा लग रहा है। ये एक केव है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने ऊपर से देखा है, फर्स्ट एंट्री था, अब ये सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री, ओके। ये क्या डिफाइन करता है? मतलब खाली लव का सिंबल है, काइंड ऑफ कपल। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन से इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड साथ में ये जो एक्सपीरियंस है दैट इज लवली। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लवली व्यू। ये इसमें डेफिनेटली एक बार आना चाहिए। दिस इज सो नाइस। इसमें तो गर्मी लगेगा ही नहीं ना। ये वाटर स्प्रिंकल हो रहा है यहाँ पे इतना अच्छा कि आपको यहाँ पे गर्मी लगेगा नहीं एक तो, और इसके अंदर मैं घंटों बैठ सकता हूँ। वाओ लवली, क्या ठंडा लग रहा है। ओ नाइस, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का यहाँ पे मूर्ति है और उसके ऊपर वाटरफॉल है। नाइस, वाओ दिस इज सो नाइस। ये स्कल्पचर स्टैचूज बहुत अच्छे हैं। एक बार डेफिनेटली आओ, दिस इज द बेस्ट प्लेस एवर आई कैन से। अगर आप एक्टिविटी लेवल पे देखो या तो फिर ऐसे एंजॉय करना है मोमेंट को, तो बेस्ट है। ये एक सेल्फी पॉइंट है, इनके पास मल्टीपल सेल्फी पॉइंट्स हैं, बहुत सारा है। अगर आप देखोगे तो मैं अभी एक एक करके आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। एक बार डेफिनेटली आओ। दिस इज ऑल्सो नाइस, बहुत अच्छा है ये। तो ये एक हाइड्रोलिक मून है जो कि 3 से 4 फीट जाता है ऊपर। सो मैं सोचा कि मैं भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, मैं दिन में मून पे चढ़ा हूँ। दिस इज नाइस। इवनिंग के टाइम पे मैक्सिमम ज़्यादा एक्सप्लोर करने को अच्छा मिलेगा, लेकिन डे टाइम अगर बोलूँगा तो खाना पीना तो मिस नहीं कर सकते। खाना बहुत अच्छा है। इतना बड़ा प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट 7 एकड़ का प्रॉपर्टी है, इसको मेंटेन करके रखना इज़ वेरी टफ। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, इसमें लव लिखा हुआ है। सो ये एक सेल्फी पॉइंट है। वाटरफॉल का एंट्री और एक है, यहाँ पे पकड़ के चढ़ना है। दिस सो नाइस। यहाँ से आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे डैम व्यू भी है पूरा, जितना हमारा सेल्फी पॉइंट से कार डैशिंग कार है, बाकी सब पूरा प्रॉपर्टी जितना बड़ा है, रिजॉर्ट जितना बड़ा है, मैक्सिमम एक साइड आपको दिख ही रहा है। ये सेफ्टी के लिए रखा है कि पैर ना फिसले। नाइस, ये इतना अच्छा वाटरफॉल है, लगता भी नहीं कि आर्टिफिशियल है वो, बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन। बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा है। आई थिंक ये डिफाइन करता है कि अगर आप कपल्स हैं, ये सारे डांस फॉर्म आपको करना चाहिए। मेरे को तो नहीं आता। दिस इज काइंड ऑफ अम्ब्रेला ट्री और समथिंग, अम्ब्रेला ट्री। ये सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 7 एकड़ है। मुझे लगता है कि एक्टिविटी में इन्होंने 2-3 एकड़ या 3-4 एकड़ डाल दिया होगा, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। दिस इज़ अ डिफरेंट सेल्फी पॉइंट। मेरे हाथ में अभी आप लोगों की वजह से 360 ये वो सब है, बट नाइस सेल्फी पॉइंट। लव लव, एक से बढ़ के एक है। मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूँ, जिसको भी देख रहा हूँ बोल रहा हूँ कि ये सबसे नाइस है। वाह, वृंदावन जो है वो लास्ट पॉइंट है। वृंदावन के कॉन्सेप्ट बनाए पूरा, कैसे आए थे। वाह, पेंटिंग वगैरह हुआ है यहाँ पे, सो नाइस। ये पेड़ वगैरह नाइस। वाह लवली। सो राधा कृष्ण का जो मूर्ति है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेस्ट पार्ट ऑफ स्नेह रिजॉर्ट, ये जो व्यू है और ये जो मोमेंट है बहुत अच्छा। सब इतना क्रिएटिवली बना गया है कि ये रियली लग रहा है, काइंड ऑफ आप अगर देखोगे ऐसा लगता है कि रियली है। जैसे कि आप ये गाय का नस देखोगे, गाय का एक एक चीज़ देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। आपको डेफिनेटली एक बार आओ और यहाँ पे एंजॉय करो। दिस इज़ सो नाइस, सो नाइस। ये है लास्ट एंड पॉइंट। आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम टाइम ये लोग हर टाइम पे साफ सफाई होता रहता है कंटिन्यूसली, और स्पेशली इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको थैंक यू। ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली सब क्लीन होता है। यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा, देख क्या सर लगेगा। अच्छा, इधर पहुँच गया वापस। ये इस रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट पार्ट है। अब हमने स्टार्ट यहाँ से किया था और प्यार स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम लोग घूम घूम के आए, यहीं पर आ गए, घूम के यहाँ पे आ गए। हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में टेंट हाउस है। यस, 9 टेंट रूम्स है यहाँ पर। और ये कितना प्राइस है इसका? इसका 7,000 है। 7,000 पर कपल, इंक्लूडिंग ऑल फूड एंड एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी डैशिंग कार एक है, गेम जोन में आ गए हम लोग सामने। सो मैं स्पेशली ये जाने वाला हूँ करने के लिए। तो आई विल टेक रेड और येलो, आई टेक दिस येलो, परफेक्ट। जाते हैं, हाँ कैसा होता है। ओके, मैं ये ऐसा लड़ा भी नहीं किया था। आई एम लविंग इट, मेरे साथ बेस्ट गेम। आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एक बार, डेफिनेटली आओ
और ये खेलो. लवली, दिस इज सो नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ पे हमारा मिरर मेज है, ये एंट्री पॉइंट है. देखते हैं कि खो ना जाए. इधर से भी जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं. मेरे हिसाब से टफ जॉब है. ठीक है, तो कांच लग रहा है. आप लोगों को पता है क्या? तो मुझे पता. कैमरा भी टूका. आप भी हेल्प कर दो. ओके ग्रेट, मैं उधर चला जाता अभी. नाइस, थैंक यू. ये 90 थिएटर है. एक तो मिरर मेज के बाद आप इतना पजल सॉल्व करके आते हैं, उसके बाद 90 थिएटर. मेरे को डर लग रहा है. अरे यार, यहाँ पे कुछ देना चाहिए था. शिफ्ट. ये सबसे बेस्ट है, आपको एक बार डेफिनेटली आना चाहिए. ये एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने, सच बताऊं तो. यहाँ पे मैजिक शो भी होता है. मैक्सिमम जगह पे मैंने मैजिक शो देखा नहीं इतना, बट यहाँ पे हो रहा है तो ये तो डेफिनेटली एक बार एंजॉय करवा के. आपका नाम क्या है सर? स्नेह रिसोर्ट सोहन अली. वो मेंशन कर रहे हैं ऑलरेडी, स्नेह रिसोर्ट सोहन अली. 1 2 3 कितनी बॉल हैं? 3. अब ये तीनों बॉल को यहाँ से गायब करेंगे. चलो कलकत्ता जाओ. एक आ गई बम्बई से, एक आ गई दिल्ली से, एक आ गई कलकत्ता से. आई किधर से? कलकत्ता से. और लग रहा है सिगरेट बहुत जल्दी फूंक देते हम. नहीं नहीं, मैं 1 2 3 करो. फुकरो फुकरो, हाथ नहीं जलाओ, नोट लेकर आओ भद्रकाली. और ऐसे खुला पकड़ के बना दो. हाँ, वो चलेगा, वो सबसे अच्छा है. सबसे अच्छा. हाँ, हाँ, इधर वाला ही लाइए. ओ मेरी पॉकेट फट गई. थैंक यू सो मच. ये डेफिनेटली एंजॉय करना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है. सफारी है ये, पूरा रिसॉर्ट का एक राउंड घुमाता है. ये सारा पूरा एडवेंचर जोन है. मतलब ये बंदा अगर यहाँ पे आएगा बाहर नहीं जाएगा. सब कुछ इधर ही है. सब कुछ यहीं पर. यहाँ पे टेंट्स है. यहाँ सर टेंट रूम्स है. ओके. आगे बेड्स वगैरह है जो वन डे आउटिंग के लिए आते हैं रेस्ट करने के लिए. यहाँ पे फिश स्पा, ये एक बार मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ. स्मोक बिस्किट, अच्छा वो खाने टाइम पे धुआं निकलता है. परफेक्ट. बच्चों का प्ले एरिया, बट मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ इस जगह पे. हॉर्स राइड और कैमल राइड एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, डेफिनेटली आके एंजॉय करो. नाइस. ये डेमो फार्मिंग है. सो डेमो फार्मिंग एरिया यहाँ पे, और यहाँ पे मचान बन रहा है एक, और एक नहीं बहुत सारे, आई थिंक दो है. दो मचान बन रहा है. और ये क्या है? हट्स वगैरह हैं. अच्छा, इसका अभी तक डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है. ओके, बट दिस इज रियली नाइस. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पैसा खर्चा किया है. ये जो एरिया अभी आप देख रहे हो, ये स्पेसिफिकली डेमो फार्मिंग का एरिया है. और साथ में यहाँ पे छोटों के लिए गेम रखा हुआ है, बड़ों के लिए, कुछ मिड लेवल लोगों के लिए गेम भी रखा है. बड़े भी बैठ सकते हैं अगर मेरे ऐसा डरने वाला नहीं हो. यहाँ पे जो बुजुर्ग आते हैं, जो बड़े लोग आते हैं, थोड़े एजेड लोग, उनको बैठने के लिए या रिलैक्स करने के लिए चारपाई होता है और समथिंग, देन आप लोग एंजॉय करते हो. इन्होंने ये चीज़ एक बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे. आई थिंक ये रात के टाइम पे और इवनिंग टाइम पे बहुत अच्छा है, इवन दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि आपको दिखा चुके हैं. अभी हम लोग एक एक करके दिखने वाले हैं. स्पेशली मैं एक ये राइड लेने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं कि मैं फेल होता हूँ कि पास. हाँ, अरे शिट, ठीक है ना. बता तो पहले कहाँ पकड़ना है, क्या करना है. अबे ये तो 2 मिनट में गिरा देगा, 2 सेकंड में गिरा देगा. रुको, ऐसे ऐसे. मेरे को नहीं करना है. एक बार डेफिनेटली आओ करने के लिए. मैंने एंजॉय किया, ऐसा नहीं कि नहीं. बंजी ट्रैम्पोलिन. बंजी ट्रैम्पोलिन, यस. ओके, ये बच्चों के लिए, बिलो 50 केजी जो है ना. ओके, ये उनके लिए है. ओके, रॉकेट इजेक्टर. यस, देते 50 किलो से ऊपर, 90 किलो तक है मैक्सिमम. अब एक्चुअली करने के बाद आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा. एक्चुअली करने मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा. रॉकेट इजेक्टर करना है आपको? करते हैं. नॉर्मल रहा ना, वो तो बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे. ये इतना फास्ट जाता है क्या? मेरे को डर लग रहा है. शिट, मैं ना करूं बाबा. बट दिस इज सो नाइस. दूसरों को करके देख के अच्छा लगा. ये 2 सीट्स गैरो है, एक्चुअली 4 सीट्स भी गैरो होता है. ये 2 सीटेड गैरो है, ऊपर उल्टा घूमता है. यस, वो पूरा 360 रोटेट होता है. बट वो ऑटोमेटिक घूमेगा? नहीं, आपको पैडलिंग करना है. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बस आप ही करो. 1 2 3. अरे ये तो एक ही शॉट में चलेगा. यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम है. टर्किश प्ले करके आपको दिखाया? हाँ, पता नहीं. आइसक्रीम कैच कर रही है. अभी वो एक्टिविटी तो कर नहीं पाए, ये एक्टिविटी मेरे लिए है. कम से कम ये तो ठीक से कर पाऊँ. अभी अभी पैसे भी वैसे ही देना. हाथ पकड़, हाथ पकड़ ले बेटा. हाथ 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 पकड़ ले बेटा. हाथ 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 पकड़, हाथ. लवली. बिग आ
That's fine. Let's do it. अरे बस विच वन यू वांट दिस वन दिस वन एक सेकंड पब्लिक आते हैं ऐसे एक्शन करता है कि मैं ही लेजी हूं मतलब मैं एक्शन करने का सोच रहा हूं नहीं वैसे नहीं एक्शन करते हैं गाइस एक्शन करते हैं यस देखो स्पेसिफिकली से सिर्फ वन नाइट स्टे के लिए आते हैं तो उन्हें एक्टिविटीज वगैरह पसंद आती है तो टू नाइट स्टे एक्शन करते ही है मोस्टली परफेक्ट स्पेशली रोहन सर का कंपनी है मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर आप यहाँ पे आते हो आप डेफिनेटली इनसे मिलो इनका अभी एक स्पेशल चीज़ चल रहा है दैट इज हेलीकॉप्टर राइड उसका चार्जेबल रहेगा क्या चार्जेबल प्लस GST ओके कितना जगह घूमेंगे आप 10 मिनट्स का राउंड रहेगा डेफिनेटली कम हियर मैंने मैक्सिमम चीज़ इतना सस्ते में देखा नहीं है जितना सस्ता यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल डाल दूंगा सो हेलीकॉप्टर राइड यहाँ पे एंजॉय करो और एक है मैंगो फेस्टिवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे के आप डेफिनेटली एंजॉय करो मैंगो फेस्टिवल एंड हेलीकॉप्टर राइड डेफिनेटली करो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा होगा कैसा लगा इनका एम्बियंस बहुत बढ़िया है फूड क्वालिटी बहुत अच्छा है रूम सर्विस अच्छी है इनसे पूरा पैसे वसूले थे बहुत मजा आया यहाँ की सर्विस वगैरह बहुत अच्छी थी मजा तो आया रेन डांस और स्विमिंग पूल एक्टिविटीज की क्या रॉकेट इंजेक्टर किसने किया बहुत मजा आया वो झुक करके ऊपर जाता है पूना दिखा क्या उधर से स्वर्ग दिखा स्वर्ग जैसे आपने देखा यहाँ पे पब्लिक आ रही है और डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रही है रॉकेट इंजेक्टर करके है वो एक बार डेफिनेटली ट्राई करो अगर आपने ट्राई किया है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालो सो आई एम गोइंग टू एक्सटेंड माय स्टे नाउ सो मैं और एंजॉय करने वाला हूँ आप लोग तब तक सारे चीजें हैं यहाँ पे एंजॉय करो थैंक यू सो मच रोहन जी अर्जुन थैंक यू सो मच आपका नाम क्या है गौरी तीन शॉप वो ऑलरेडी ध्यान रखते हैं इसका एक तो ये फिश पा हो गया और एक हो गया स्मोक बिस्किट और चिकी का ओके फाइन सो इसका चार्जेस क्या रहेगा सर 5 मिनट्स के 70 एंड 10 मिनट्स के 140 ओके सो 5 मिनट का 70 10 मिनट का 140 मेरे हिसाब 10 मिनट तो डेफिनेटली करो बिकॉज 10 मिनट में ये सारे बेनिफिट्स है बेटा कुछ नहीं होगा अरे यार आइक ना तू वन टू थ्री को अरे कुछ नहीं डालो तो अरे कुछ नहीं होगा सी अभी ये बच्चे को बोल रहे थे कि कर खुद ही जब गए ना खुद ही नहीं कर रहे तो यहाँ पे स्मोक बिस्किट है नाक से बाहर है सिगरेट पी रहा ये सब बंद हो गया अभी रात के टाइम पे मैं देख रहा हूँ अराउंड 10:30-11 बजे डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्पेशली स्नेहा रिजॉर्ट को डेफिनेटली एक बार आके विजिट करो सी यू